राम दीदी। प्रणाम भैया। पिंजरा आ गया? हाँ भैया आ गया। कैसा लग रहा है दीदी? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पिंजरा तो आ गया भैया, लेकिन आप आगे बताइएगा ना कि अब क्या करना है। कोई घबराने की बात नहीं दीदी, ठीक हम यहाँ पर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे रहेगा सब बताते रहेंगे, आपको कोई घबरा के बात नहीं है। हाँ भैया। दीदी देख रेख कैसे करना है सब बताते हैं हम। जी भैया। हाँ देखिए दीदी, पिंजरा जो है ना साफ सुथरा करने में गोबर मिट्टी के लीप लगा के पिंजरा को एकदम लिख दीजिए, उसके बच्चा सेंटर से आएगा तो सुरक्षित इसमें रहेगा। भैया जैसे आप पिंजरा को लाए तो उसको बताएं कि गोबर मिट्टी से लीप दीजिए, मतलब कि ये लीपना क्यों जरूरी है? लीपना जरूरी इसलिए है जी भैया कि बांस फराठी के ही बनल है जी भैया, मट्टी लेबारा रहेगा तो तीन ता है पिंजरा तो तीनों ता में बच्चा रहेगा। हाँ। तो ऊपर वाला बच्चा जो पैखाना करेगा या बीट करेगा नीचे दूसरा में चल जाएगा, ओखरा में चल जाएगा, इसलिए लिपना लेवालना जरूरी है। हाँ। समझे दीदी? जी भैया। इसीलिए मतलब लिपना जरूरी है। लिपटा गया दीदी, इसमें पैर फंसेगा और न पैखाना करेगा उसे बिचला में जाएगा, न बिचला से निचला में जाएगा, इसलिए लिपना जरूरी है, बच्चा स्वस्थ से रहेगा इसमें। ठीक है भैया। मतलब ये बांस का पिंजरा ही क्यों बनाए, इसके जगह पे लोहा का पिंजरा क्यों नहीं बनवाए? लोहा के पिंजरा से बांस वाला पिंजरा है ना दीदी, से बहुत अच्छा है, इसलिए बांस के पिंजरा बना, फट्टी बना के जाल लग गया तो सुरक्षित रहेगा बच्चा, और लोहा में तापमान ज्यादा देता है इसलिए बच्चा पर दिक्कत होता है, इसलिए बांस के बना, बांस के पिंजरा। लोहा के जगह दूसरे जगह हर दीदी के घर ले जाने में भी दिक्कत होता, ये हल्का है, जहाँ जाइए तहाँ घर द्वार में अपना रख लेगा, लोहा वाला में बहुत दिक्कत होता, इसलिए बांस के पिंजरा बना है। भैया ये बात तो सही है, लोहा का पिंजरा रहता है तो मतलब उसमें तापमान ज्यादा रहता है, बांस का पिंजरा है गर्मी हो या सर्दी इसमें मतलब मुर्गी सुरक्षित रहेगी। और तरफ जाल है दीदी पिंजरा के। जी भैया। तो जाल के लिए ठंडा के मौसम में तीनों तरफ प्लास्टिक उजला हाँ। प्लास्टिक से घेर देना चाहिए, हल्का हल्का पतला पतला कांटे मार देना चाहिए कि प्लास्टिक इधर उधर उड़े नहीं। उजला प्लास्टिक इसलिए जरूरी है दीदी कि चौबगल पिंजरा खाली रहता है जाल, जी भैया, बच्चा रखेगा तो हवा जाएगा, और उजला प्लास्टिक इसलिए दिया जाता है कि ताकि उसको रोशनी बाहर से मिलते रहे, जी भैया, इसलिए उजला प्लास्टिक दे के और फिर मार देना चाहिए ताकि हर फट्टी में खोस देना चाहिए, और खिड़की केवल छोड़ देना चाहिए, खिड़की दोनों साइड में उजले प्लास्टिक दे देना चाहिए, दरवाजा छोड़ देना चाहिए, दरवाजा छोड़ देना चाहिए जी भैया, इसलिए कि बच्चा को उजला ही मिलेगा, जैसे लाइन तो रात दिन नहीं रहेगा, बल्ब लगेगा तीनों में ताकि उसको तापमान मिलेगा, बच्चा सुरक्षित रहेगा, दाना पानी अपना खाएगा भी बल्ब से जी भैया, इसलिए बल्ब जल जाता है। ठंडा के समय में दीदी कम से कम पिंजरा में 14 घंटा बल्ब जरूरी है जी, इसलिए कि उसको तापमान मिलते रहेगा, और गर्मी में कोई जरूरी नहीं, गर्मी में तो इतना ही अपने तापमान मिलते रहता है, हवा मिलते रहता है, केवल ठंडा में 14 घंटा जरूरी है बल्ब जी भैया। तीनों खान में देखिए दीदी, सेंटर से मुर्गी जहाँ पलाता है वहाँ से बच्चा मुर्गी आ गया, मुर्गी आ गया तो आप पिंजरा में इसको रखिए, अच्छा सुरक्षित से पिंजरा में रख दीजिए बच्चा को। भैया सेंटर से आप जो चूजा लाए हैं ये कितने दिन का पोसा हुआ है? 28 दिन का चूजा पाला हुआ है जी भैया, 28 दिन के बाद आप लोग का ही पालना है, ओकरा देख रेख करना है, उसके बाद जो भी दिक्कत होगा हम बतानेंगे, इसको बच्चा को सुरक्षित पिंजरा में रखिए जी, नीचे वाला में डाले? हाँ नीचे वाला में डालिए, बंद करें। पच्चीस बच्चा मिला दीदी जी भैया, 2500 बच्चा के देख रेख तो खैर आपको चीज है, आपको करना है जी भैया, ढंग से नहीं करिएगा तो आपको दुगो पैसा कैसे मिलेगा जी भैया, हमारा खाली रोज देख रेख करना है, यहाँ बच्चा कैसा है क्या है, आपको जो दिक्कत बुझाएगा से बताइएगा हमको जी भैया, उसको हम दवाई फिर देंगे लिख के, आपको बाजार से दवाई लाना होगा जी भैया, इसलिए बच्चा को सुरक्षा करना आपको काम है जी भैया, हमको काम है खाली देख रेख करना, हर घर हर दीदी घर हमको जाके देखना। भैया आप तो मतलब आएंगे लेकिन मतलब हमको मुर्गी को कैसे देख रेख करना है, कब खाना देना है कब पानी देना है ये तो मतलब कि बताइएगा ना, वो तो बताना है दीदी,
जी भैया, जो साग सब्जी जो करता है ना कतरना वगैरह जी भैया नहीं रहेगा, सब के एकत्र करिएगा, बाजू इधर उधर फेंकेगा नहीं, सब खा जाएगा जी भैया। आप गरीब आदमी है, उतना दाना खरीद के मोल नहीं खिलाइएगा, ये सब भी खिला दीजिएगा, उसको पेट भर जाएगा। देखिए दीदी, ये गोभी का डट्टी है जी भैया, तो गोभी के डट्टी भी दीजिएगा तो सब खा जाएगा। और ये जो है से मकई और गेहूँ के दर्रावल है, दर्रा जी भैया, ये भी तो सब खा जाएगा। ये सब खिला पिला कर फिर पानी दे दीजिएगा, इस पानी है जो कटोरा में पानी भर दीजिएगा जी, तो पानी में पी लेगा, भर पेट अपना सुरक्षित रहेगा। फिर मौका मिलेगा तो इसको बाहर निकाल दीजिएगा, चर लेगा, सोसुम पानी करके जमान उसमें डाल दीजिएगा और बच्चा को दे दीजिएगा, बच्चा सब पी लेगा। उसके बाद खाना 3 टाइम खाना देना है जी भैया, और 3 टाइम पानी देना है। उसके बाद साग सब्जी जो भी कतरन होगा उसको सब दीजिएगा, सब खा जाएगा। देखिए दीजिए, इसको खाना देना है, तो खाना देवे लगिएगा तो तारा ऊपरी कर लगेगा, इस तरह की चार जगह जाने पर देखिए दूर जाओ, खाएगा सब निकल जाएगा। देखिए समूचे सब खाने लगा, खाना दे दिए ना दीदी जी भैया, ये खाना खा लेगा। उसके बाद में इसको दिन भर बाहर रखिएगा, मगर ध्यान देते रह पड़ेगा, रबड़ा उड़ा के इसको ध्यान देते रहिएगा, और शाम में फिर इसको अंदर बंद कर दीजिएगा जी भैया। फिर आपको दाना उतना खरीद के कहाँ से दीजिएगा, चर के भर दम बाहर खुला रहेगा, चर लेगा सब, अपना आके अंदर बंद कर दीजिएगा, और फिर कोई बात नहीं। फिर रात को देंगे खाना? हाँ, रात को फिर दीजिएगा, काम बहुत खाएगा रात में, दिन भर तो चलते रहेगा, सुबह में खाएगा खाना, सुबह में खाना दीजिएगा जी। उतना सब्जी तो बता दिए दीदी जी भैया। आप उसको करना कहा है कि 1.5 महीना के बाद पोल पोक्स से को दावा होगा जी भैया, 1.5 महीना के बाद पड़ते है, और 2 महीना बाद जोक के दावा मिला है, हर 2 महीना पर दावा जोक वाला पड़ते रहना चाहिए, और 5 महीना पर रानी खेत के टीका पर है जी भैया। यही दवा 3 गो है, इसको बराबर चलते रहना है। अच्छा एक चीज और दीदी जी भैया, सब दवाई जो है सब समय समय पर देना है, बीमारी पड़ जाएगा तो दवाई पड़े तो खत्म हो जाएगा जी भैया, इसलिए समय के पहले उसको दवाई दे देना, सब पड़ देना चाहिए जी भैया। ये तीनों दवाई समय समय पर पड़ देना चाहिए, और फिर कोई दिक्कत ना होगा, अपना खिलाइए, बाहर कीजिए, भीतर कीजिए, सब पिंजरा में रखिए, कोई दिक्कत ना होगा। दीदी एक बात आप बताते हैं जी भैया, जब ये बच्चा 6 महीना पूरे ना दीदी, अंडा देवे लगेगा? हाँ भैया, रोज एक दिन अंडा, रोज एक अंडा देगा जी, एक मुर्गी एक अंडा रोज देने डेली शुरू करेगा, 3 महीने तक लगातार देगा एक मुर्गी जी। तो उसके लिए मतलब पिंजरा में अंडा देवे लगेगा, का करिएगा कि कूढ़ा चावल वाला भूसा शेडो में रख दीजिएगा, ताकि अंडा पारेगा तो ढलकेगा ये मिट्टी पर से इधर उधर नहीं, बोरा में बैठल रह जाएगा अंडा, इसलिए नहीं रहेगा ये सब देल भूसी का थी, अंडा ढलक के फूट जा सकता है, इसलिए भूसी देना जरूरी है, ओकरे पर बैठ के अंडा पारेगी जी। समझ रहे दीदी, धान के भूसा है दीदी? ना भैया, मेरे के यहाँ धान के भूसा ना है। धान के भूसा रहता ना, तो आप बताते ऐसे आओ कोची है आपके यहाँ? यही मिट्टी का ये बर्तन है, और यही में हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। हाँ, इसमें हल्का, इसमें भी आराम आराम से हो जाएगा, इसको उठा के इसको धर दीजिए, पिंजरा के अंदर रख देंगे जी भैया, पिंजरा के अंदर रखिए, और इसी में ऊपर वाला में रख दीजिए, अंडा देने वाली सब ओकरे में बैठ के अंडा देगी, पार देगा, इससे समझ गए ना जी भैया, ऐसी करना है। धान के भूसा रहते एक साथ रख दीजिए, और नहीं तो मिट्टी के बना दिए हैं ये वाला, बहुत अच्छा है, इसमें बैठ जाएगा तो अंडा इधर उधर भलक भलक नहीं करेगा, अच्छा से इसमें अंडा पार देगा, अपना उठा के एक जगह जमा करते रहिएगा, खाइए, बाल बच्चा को दीजिए जी भैया, का चीज है। ठीक है दीदी, तो आप चलते हैं, जितना चीज बताए हैं जी भैया सबके पालन कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो हम आप ही लोग के PRP हैं, फिर आप बुलाइएगा तो हम तुरंत चलाएंगे, क्या दिक्कत होगा सर, फिर हम बता देंगे, जितने बताए वैसे अपना कीजिएगा, हम ये है हाँ, तो हम तब बुलाएंगे तो आप आइएगा ना भैया, ठीक है, हमारा ही ड्यूटी है तो ना किसा नहीं, ठीक भैया, चलते हैं दीदी, हाँ दीदी, फिर दिक्कत होगा से बता देंगे हम, हाँ भैया प्रणाम, चलते हैं दीदी, हाँ भैया प्रणाम भैया। हेलो,
हेलो, हाँ सुनीता दीदी प्रणाम। हेलो, हाँ भुवनेश्वर भैया प्रणाम। कैसे हैं दीदी, पूरा मुर्गी ठीक है ना? हाँ भैया, हाँ हम ठीक हैं, मुर्गी भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमको कुछ मतलब दिक्कत है, क्या आप आ सकते हैं? कोई दिक्कत क्या है, अभी तुरंत आते हैं हम। हाँ भैया ठीक है, आप आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, बहुत व्यवस्था तो बहुत टाइम है, ठीक है, जो बॉल बताए साफ कर दिए, बहुत अच्छा किए दीदी, बॉल्ब लगा दिए ना, 14 घंटा लगाते रहेगा, तापमान इसको मिलेगा, और बहुत अच्छा किए जो कहें से कर दिए, रात भर बॉल लगाते रहिएगा, रात भर जलते रहेगा बॉल्ब, तीनों खान में बॉल लगाना है, एगो में लगा दिए दीदी, दोनों में लगाना है। ठीक भैया, आप बता दिए, आप जैसे पहले ऊपरे खाना में बल्ब लगाए थे, आप तीनों खाना में बल्ब लगा देंगे। काहे के लिए बुलाए दीदी? इसीलिए बुला रहे थे भैया कि थोड़ा हमको दिक्कत है कुछ। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत हमको ये है भैया कि सुबह मतलब इसको कैसे बाहर छोड़ो। हाँ। आप खोल के भैया बता दीजिए। निकालने से पहले बल्ब बंद कर दीजिए जी भैया, उसके बाद बाहर निकालना है। अच्छा किया दीदी कि बल्ब उतार दिए, अब हम बाहर निकाल के बता देते हैं। ठीक है, बाहर निकालते हैं। दिन भर इसको चारे लाइन छोड़ दीजिए, शाम में फिर सब जाओ चारों बाहर, अपना दीदी दाना कहाँ से देंगे। जा चारों से, अब इसको दिन भर चरा दीजिए, शाम में फिर अंदर पिंजरा में कर दीजिए। भैया शाम को सबको मतलब अंदर करना? हाँ, अंदर खुद ही चला आएगी। पिंजरा में अपने पकड़ के पिंजरा में अंदर कीजिएगा, पिंजरा में अपने थोड़ी घुस जाएगा, इधर आ जाएगा पिंजरा के बगल में फैलाए, और पिंजरा में अपने नहीं घुसेगा, पकड़ पकड़ के सबके घुसा देना। शाम में 6 बजे इसको अंदर कर दीजिएगा, 6 बजे आ जाएगा सब इधर, शाम होता है अपने अपने स्थान पर आ जाता, मगर ढुकेगा पिंजरा में पकड़ पकड़ के, और फिर रात में बल्ब जला दीजिएगा। ठीक है दीदी, अब चलते हैं हम, कोई दिक्कत होगा तो बुला लीजिएगा, अब हम चलते हैं। प्रणाम दीदी।